हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। यार, काफ़ी लोगों के लिए ना अभी भी क्वेश्चंस वो दिमाग में अटका पड़ा है कि लोगों के अटका पड़ा है कि यार, हम फाउंडेशन के टाइम पे जॉब्स कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम सस्पेंशन के टाइम पे जॉब्स कर सकते हैं नहीं कर सकते। इस चीज़ के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, कैन वी वर्क ड्यूरिंग MBA फाउंडेशन। तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने बताई नहीं थी कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। तो आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। अंधेरा है, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितनी लाइट हो सके उस एंगल से लाइट सही आ रही है दिखा सकूँ। तो जैसे अभी मेरा एक फ्रेंड था नाइजीरिया से, मेरे साथ पढ़ता था CMPT चमनदीप कौर की क्लास में, ठीक है। तो उसकी एक फ्रेंड आई, तो उसको डाउट था, उसको फाउंडेशन मिला था कि उसका वो ऐसी ही वो सर्फिंग ऑन यूट्यूब एंड रिगार्डिंग दिस टॉपिक उसका मेरे पे फ़ोन आया कि हे ब्रो, मैंने तेरा चैनल देखा एंड आई केम टू नो दैट कि फाउंडेशंस के साथ साथ जॉब्स नहीं कर सकते। एंड उसकी फ्रेंड कर रही थी अपेरेंटली, मुझे ये नहीं पता कि उसके स्टोर ओनर ने कैसे अलाउ कर दिया। तो उसके बारे में मेरी और उसकी बात हुई इस चीज़ पे, एंड ही वॉज लाइक कि उसको पता नहीं था और वो अवेयर नहीं था इस चीज़ के बारे में, एंड वो कम से कम एक महीना जॉब कर गई, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो रेड लाइट क्रॉस करके कर तो आप लोगों से इस बारे में बात। जब उसने मुझसे पूछा, एंड मेरा तो पहले रिएक्शन थोड़ा आंखें फटी रह गई कि कैसे, मतलब उसको पहले जॉब कैसे मिली फाउंडेशन पे, और दूसरी बात या तो उसने बताया नहीं होगा अपने एम्प्लॉयर को, और दूसरी बात कि वो एक महीने काम कैसे कर गई और उसको पता क्यों नहीं चला। एंड वो थोड़ा, यार देखो, वहाँ के लोगों को ना पागल बनाया जाता है उनको। वो क्लीनिंग की जॉब कर रही थी एंड बस उसको एज अ रोबोट वहाँ पर काम कराया जा रहा था, जो काम करा रहे थे कर रही थी, क्योंकि यू ऑल नो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो, वो काफ़ी ज़्यादा ना इन चीज़ों में पिछड़ा हुआ है, एंड उन लोगों को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमसे भी ज़्यादा। जितना हम घिस होते हैं वो हमसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कई चीज़ों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंस्ट्रक्शन का टफ से टफ काम कर सकते हैं अफ्रीकन्स। तो वो पैसों के चक्कर में लगी हुई थी। तो क्या हुआ कि उसको पता लगा एंड उसको डर लगा कि अब होगा क्या। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि पहली बात तो कुछ चीज़ें होती है ना, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि थिंग्स टू अवॉइड इन कैनेडा, जो क्राइम्स एज अ क्राइम कंसिडर होती है, ठीक है। तो एक क्राइम बताया था मैंने कि अगर आप सिन नंबर पे काम कर रहे हो अपनी लिमिटेशन से ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो 8 अक्टूबर को बच्चे आए या उसके बाद जो बच्चे आए, वो अगर फुल टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनको रिस्ट्रिक्शंस हैं तकरीबन 80 आवर्स मंथ की, और वो 160 तो नहीं, वो 90-100 आवर्स काम कर रहे हैं, तो उसको गिना जाता है फेडरल क्राइम में कनाडा का। वो स्टेट क्राइम नहीं होता, प्रोविंस क्राइम नहीं होता, वो फेडरल क्राइम में गिना जाता है। तो अगर वो ये सब कर रहे हैं तो वो एक फेडरल क्राइम गिना जाता है। तो उस टाइम पे मैं ये बताना भूल गया था कि अगर आप लोग प्रोविजन के टाइम पे भी काम कर सॉरी आप लोग फाउंडेशन के टाइम पे भी काम करते हो तो अभी वो फेडरल क्राइम ही गिना जाता है, क्योंकि वो इलीगल है यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं। तो इफ़ यू डू दोज इलीगल थिंग्स देन इट विल अफेक्ट यू, ठीक है। सो गाइज, अभी मैं यही बता रहा था कि फेडरल क्राइम में कंसिडर होता है ये, जितने आवर्स ऊपर होते हैं सारे एक फेडरल क्राइम में कंसिडर होते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और आप नहीं काम कर सकते फाउंडेशन के टाइम पे, और आप प्रोविजन के बाद जो सस्पेंशन होता है आप उस पर भी काम नहीं कर सकते, तो अवॉइड करो ये चीज़ें। टिल देन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, डू नॉट ट्रबल योर मॉम एंड डैड। मेरे को लगा ये चीज़ आपसे शेयर करनी चाहिए एंड इसलिए मैंने करी। एंड और
ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो शेयर करना बनता था आप लोगों से, कि सस्पेंशन या फिर फाउंडेशन के टाइम पे काम कर सकते हैं नहीं, अगर कोई कर भी रहा होगा तो हट जाओ, क्योंकि कुछ नहीं पता कि गवर्नमेंट कब आपका बैकग्राउंड चेक कर ले एंड आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। टेल देन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, डू नॉट ट्रबल ए मोमेंट दैट। गोल्स रखो लाइफ में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रखने, जो मतलब आपको अच्छे लगे रखो पर उन पर काम करो एंड एक दिन सब अचीव होंगे। करण इन कैनेडा में ऐसी वीडियोज आती रहेंगी। 2000 सब्सक्राइबर्स के लिए सबको दिल से थैंक यू, आप सबने अच्छा सपोर्ट किया, ऐसी वीडियोज आती रहेंगी। टिल देन बाय बाय गाइस, मिलते रहेंगे, बाय।